नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। पेश है कुछ मुख्य समाचार। भीमताल में खाई में गिरी पर्यटकों की कार, चार घायल। भीमताल में स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में पर्यटकों की कार खाई में जा गिरी। इस घटना में चार पर्यटक घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद भीमताल कोतवाली से मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से बाहर निकाला। सीएम तीरथ का फिर विवादित बयान, कहा आजादी के बाद आज तक नहीं मिली चीनी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने उत्तरकाशी की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से आज तक लोगों को चीनी नहीं मिली। 20 किलो कम ये बताने की जरूरत है, और चीनी कभी नहीं मिली जब से देश आजाद हुआ। किसी भी दुख में, कष्ट में, कभी भी आपदा में नहीं मिली। हम चीनी भी 3 महीना दे रहे हैं, कल ही मैंने करने में पास किया। जानिए देश और प्रदेश में आज क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के सभी 16,674 गांवों में भाजपा कार्यकर्ता सेवा कार्य शुरू करेंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत आज अल्मोड़ा वासियों को सौगात देंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सीएम तीरथ सिंह रावत आज अल्मोड़ा वासियों को सौगात देंगे। दोपहर 1 बजे सीएम मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट और आईसीयू बेड का उद्घाटन करेंगे। बारिश का येलो अलर्ट, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और देहरादून जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकेगी। मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। 2 दिन चलेगी कांठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस। कोरोना महामारी के कारण सप्ताह में 3 दिन चलने वाली कांठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस 04126 अब सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चलेगी, जिसमें वह रविवार व बुधवार को कांठगोदाम से देहरादून के लिए रवाना होगी। नए नियम आज से लागू होंगे। कांग्रेस का उपवास कार्यक्रम। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में सरकार के विरोध में उपवास किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं और लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध जताएंगे। मिल सकता है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों को 1 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने की शुरुआत कर सकती है। उम्मीद है कि आज पेट्रोलियम मंत्रालय इसी दिन से मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण शुरू कर सकता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज के दिन ही पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में देश का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। इसी दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कोरोना से अनाथ बच्चों का खर्च उठाएगी केंद्र सरकार। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। मोदी ने कहा कि इस महामारी से माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 वर्ष की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। 1 जून से की बाजार खोलने की मांग, खबर उत्तरकाशी से है। जनपद भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह को ज्ञापन प्रेषित कर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया गया। वहीं उन्होंने 1 जून से बाजार खोलने की मांग की है। रायपुर सेलाकुई रूट पर जल्द दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। राजपुर ISBT रूट के बाद अब रायपुर सेलाकुई रूट पर भी स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। शनिवार को स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से ट्रायल रन किया गया। कोरोना कर्फ्यू के बाद इस रूट पर इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। लोग आरामदायक और वातानुकूलित बस का आनंद ले सकेंगे। इलेक्ट्रिक बस का न्यूनतम किराया 10 रुपए व अधिकतम किराया 55 रुपए निर्धारित किया गया है। किशोरियों को बहला फुसला कर ले जाने में 2 युवक गिरफ्तार, खबर हरिद्वार से है। रानीपुर पुलिस ने सुमन नगर क्षेत्र से बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले 2 किशोरियों को बरामद कर आरोपी युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों के खिलाफ अपहरण, पॉस्को समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस राजस्व टीम पर पथराव और हमले में 10 बार मुकदमा। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के पथराव कर मारपीट करने के आरोप में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें 6 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। इसके साथ ही 30 अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। सर्जरी साइंस नहीं, स्किल है, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने एलोपैथी पर एक और हमला बोलते हुए कहा कि सर्जरी साइंस नहीं बल्कि स्किल है। जिसे भी सर्जरी आती है वह कर सकता है। बाबा ने आयुर्वेद डॉक्टरों को सर्जरी का अधिकार देने का विरोध कर रहे एलोपैथ के डॉक्टरों की भी आलोचना की।
देहरादून में पहुंचे ब्लैक फंगस के 5,475 इंजेक्शन। देहरादून में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर सिस्टम की किरकिरी होने के बाद आखिरकार मरीजों को शनिवार को राहत मिल गई है। सीएमओ कार्यालय से सुबह 10 बजे से ही इंजेक्शन दिए जाने लगे। शाम को 5,475 इंफोटेरिसिन भी इंजेक्शन अस्पतालों को दे दिए गए हैं। अस्पतालों को कहा गया है कि वो तीमारदारों को कतई कार्यालय ना भेजे। उधर 45+ आयु वर्ग के लिए 50,000 वैक्सीन पहुंची। दून अस्पताल के आईसीयू में मिले बैक्टीरिया एक हिस्सा किया बंद। दून अस्पताल के आईसीयू में बड़ी संख्या में बैक्टीरिया मिले हैं, इसलिए आईसीयू के एक हिस्से को सैनिटाइजेशन एवं फ्यूमीगेट कर 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। अस्पताल में बड़ी संख्या में गंभीर मरीज भर्ती हुए, जिस कारण यहां बैक्टीरिया पाए गए। मसूरी रोड पर युवती से कार सवार युवकों ने की बदसलूकी। मसूरी रोड पर कार सवार युवकों ने पैदल जा रही युवती के साथ बदसलूकी की। युवती का बैग भी गायब हो गया। पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा सकी। हरिद्वार की फैक्ट्री में चचेरे भाई को मौत के घाट उतारा। सिडकुल की एक फैक्ट्री के कर्मचारियों के आपसी संघर्ष में कर्मचारी अखिलेश की मौत हो गई है। मृतक के सर पर लोहे की रॉड मारने का निशान है। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी उपेंद्र को सिडकुल से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि उपेंद्र और अखिलेश दोनों चचेरे भाई थे। बीते वर्ष उपेंद्र ने मृतक से 10,000 रुपए पैतृक गाँव में उधार लिए थे। वैक्सीन पर संकट बन रहा है। 18+ वालों को आज भी नहीं लगेंगे टीके। वैक्सीन खत्म होने से 18+ टीकाकरण केंद्र 2 दिनों से बंद है। केंद्र तक पहुंच रहे लोग मायूस होकर घर लौटने को मजबूर हैं। तीसरे दिन यानी रविवार को भी टीका नहीं लगेगा। दरअसल शनिवार देर शाम तक वैक्सीन की नई खेप नहीं मिल सकी है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर का असर बच्चों पर पड़ने की संभावना के मद्देनजर सरकारी अस्पताल प्रशासन ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल में 1 से 15 वर्ष की आयु वालों के लिए 6 बेड और नवजात शिशुओं के लिए 3 बेड का कोविड वार्ड बनेगा। ऑक्सीजन और अन्य संसाधनों से लैस वार्ड 6 जून तक तैयार हो जाएंगे। चीन की वुहान लैब में तैयार हुआ था वायरस। अमेरिका खुफिया रिपोर्ट के बाद अब एक शोध में ये भी दावा किया गया है कि कोरोना वायरस को चीन की वुहान लैब में तैयार किया गया था। इसमें कहा गया है कि इसे छिपाने के लिए चीन के वैज्ञानिकों ने वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से बदलने की कोशिश की, ताकि ऐसे लगे कि ये चमगादड़ से फैला है। शेरपुर बेला में 22 संक्रमित गांव पापन। खबर लक्सर से है। यूपी की सीमा से सटे शेरगुल बेला गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लिए गए 250 सैंपल में से 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रशासन ने पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर गांव के करीब 70 परिवारों को पाबंद कर दिया है। उनकी जरूरत पूरी करने को गांव में हेल्प डेस्क बनाई गई है। सैंपलिंग के लिए बेलतड़ी पहुंची टीम से ग्रामीणों ने की अभद्रता। खबर पिथौरागढ़ से आ रही है। सैंपलिंग को बेलतड़ी गांव पहुंची टीम को बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। गांव पहुंची 5 महिला कर्मियों की टीम से कुछ युवकों ने अभद्रता की। लाठी डंडी लेकर जांच केंद्र पहुंचे युवकों ने उन्हें गाली कर बंधक बनाने की धमकी दी। किसी तरह से टीम वहां से सुरक्षित निकल सकी। हुड़दंगी कोरोना संक्रमित ने प्रशासन को रात भर छकाया। होम आइसोलेशन में रह रहे एक कोरोना संक्रमित ने गांव में खूब उत्पात मचाया। विरोध करने पर लोगों के साथ मारपीट भी की। डीसीआर से मिली सूचना के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम रात 1 बजे गांव पहुंची तो आरोपी फरार हो गया। पिथौरागढ़ में यात्रियों से मनमानी वसूली। पिथौरागढ़ में कोरोना के कहर के बीच लोग टैक्सी में यात्रा पर 3 गुना अधिक किराया चुकाने के लिए मजबूर है। इससे गरीब व असहाय जनता सहित मरीजों को खासा दिक्कतें हो रही है। कोरोना को मात में मैदान आगे पहाड़ पीछे। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई में राज्य के मैदानी जिले अब संभलते नजर आने लगे हैं। अपेक्षाकृत अधिक आबादी वाले जिले होने के बाद भी यहां रिकवरी प्रतिशत पहाड़ों से कहीं आगे है। हरिद्वार को छोड़ दें तो देहरादून नैनीताल जिला और उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के एक्टिव केस का प्रतिशत 7% से कम आ चुका है। गैंगस्टर के घर में चल रही थी हथियार फैक्ट्री। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने क्षेत्र में एक गैंगस्टर के घर पर छापा मारकर हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस कर्मियों ने ठुकराया एसआई का पद। पुराना ग्रेड पे बरकरार रखने की मांग कर रहे पुलिस कर्मियों ने एएसआई का पद नामंजूर कर दिया। इधर डीजीपी अशोक कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि वो अंतिम समय तक फोर्स के हितों के लिए अडिग रहेंगे। नर्सिंग परीक्षा का विरोध, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की मांग। पिथौरागढ़ जिले के विभिन्न अस्पतालों में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने नर्सिंग परीक्षा का विरोध जताया है। उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने काला फीता बांध कर विरोध किया। अब 7 से बचना है तो सुबह 1 घंटे पहले उठे। एक
हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि अपनी सोने और जागने की आदत में मामूली सुधार आपको चिंता मुक्त रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार सुबह महज 1 घंटे जल्दी उठने से अवसाद का जोखिम 23% तक कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके आप अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। इसी तरह की और खबरों से खुद को रखने के लिए अपडेट तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल UK24 News।